और अब खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर निराला एस्पायर सोसाइटी की एक घटना सामने आई है। तो बता दें कि एक लिफ्ट में 10 साल का जो मासूम है वो फंस गया था, जहां शुक्रवार को ट्यूशन से अपने घर लौटते वक्त बच्चा लिफ्ट में फंसा। सीसीटीवी कैमरे की तरफ बच्चों ने इशारा भी यहां पर किया, इमरजेंसी बटन दबाने का यहां पर दबाया गया, इंटरकॉम पर बात करने की कोशिश भी जो है वो बच्चा करते नजर आ रहा है। और जब कोई उसको यहां पर मदद नहीं मिलती है तो देखिए किस तरह से वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, परेशान हो जाता है, वो चिल्लाता है, लिफ्ट में हाथ मारता है। जब ये आवाज वहां मौजूद लोगों तक पहुंचती है तो तब जाकर बच्चे की मदद की जाती है। तो यहां ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, कुछ देर बाद पड़ोसियों ने बच्चे को बचाया है। इसको लेकर परिजनों में आक्रोश है, वो बिल्डर सोसाइटी की लिफ्ट मेंटेनेंस पर जो सवाल है वो खड़े कर रहे हैं। तो आए दिन इस तरह की तस्वीर सामने आती है, इससे पहले भी इस तरह की तस्वीर गाजियाबाद की सोसाइटी से सामने आई थी, जिसमें 3 मासूम बच्चियां जो हैं 24 मिनट तक फंसी रही। और अब ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा की तस्वीर। एक मिडिल क्लास फैमिली अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश करती है, लेकिन क्या वो सेफ है? सेफ्टी को लेकर सवाल इसलिए उठता है क्योंकि इससे पहले यहां पर यानी गाजियाबाद में भी इस तरह की घटना हुई, और अब कल शाम को जहां हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट, वहां भी ऐसी घटना सामने आई है। निराला इंस्पायर ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जब एक बच्चा शाम के समय ट्यूशन से वापस आ रहा था, 8 साल का सिर्फ बच्चा था, वो मासूम अपनी साइकिल के साथ था, 14वीं मंजिल पे जाना था, लेकिन उससे पहले ही लिफ्ट 4थी और 5वीं फ्लोर के बीच में रुक जाती है। उसने पैनिक बटन दबाया, उसने आवाज लगाने की कोशिश की, उसने सीसीटीवी की तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन 10 मिनट तक कोई मदद के लिए नहीं आया, और जब मदद के लिए आए तब पड़ोसी मदद के लिए आए। ऐसे में सवाल उठता है प्राधिकरण के ऊपर, ऐसे में सवाल उठता है बिल्डर के ऊपर जिन्होंने इस बिल्डिंग के लिफ्ट को लगाया, और ऐसे में सवाल उठता है उन गार्ड्स के ऊपर जो सीसीटीवी की मॉनिटरिंग क्या कर रहे थे, क्योंकि 10 मिनट बड़ी अवधि होती है, ऐसे में कुछ भी हो सकता था। हो सकता है बच्चा बहुत ज्यादा डर जाता और अपने आप को नुकसान पहुंचा लेता, हो सकता है कोई बुजुर्ग होता और उसे डर के मारे, क्योंकि बहुत लोगों को लिफ्ट से फोबिया भी होता है, कार्डियो अरेस्ट यानी दिल की धड़कन तक रुक सकती थी, और ऐसे में इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, प्राधिकरण, बायर या फिर वो सुरक्षाकर्मी जो सीसीटीवी की निगरानी के लिए मौजूद रहने चाहिए थे। जर्नलिस्ट सिद्धार्थ गुप्ता के साथ राहुल डबास, न्यूज स्टेट नोएडा। अगर एक बॉक्स में आपको कुछ देर के लिए बंद कर दिया जाए तो कैसा होगा? जी हाँ, अगर एक बॉक्स में आपके लोगों को बंद कर दिया जाए जहां कोई भी आपको सुन ना सके, ना देख सके और ना ही मदद कर सके, तो कैसा महसूस होगा? कुछ ऐसा ही वाक्य ग्रेटर नोएडा में एक बच्चे के साथ हुआ, जब वो एक बॉक्स में यहां पर बंद हो गया और काफी देर तक वो लिफ्ट में बंद रहा। लिफ्ट के अंदर फंसे इस बच्चे को देखिए, किस तरह से ये चिल्ला रहा है, मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन कोई इसकी मदद के लिए नहीं पहुंच पा रहा है। ट्यूशन से घर लौट रहा 8 साल का बच्चा लिफ्ट के जरिए ग्राउंड फ्लोर से 14वीं मंजिल पर जा रहा था, तभी 4थे और 5वें फ्लोर के बीच अचानक लिफ्ट खराब हो गयी। बच्चे ने कई बार मदद के लिए आवाज लगाई और इमरजेंसी बटन भी दबाया, लेकिन बच्चे को कोई मदद नहीं मिल सकी। बच्चा लिफ्ट में करीब 10 मिनट तक फंसा रहा और मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन जब कोई मदद नहीं मिली तो बच्चे ने लिफ्ट के दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। ऐसे में फ्लोर पर टहल रहे एक व्यक्ति ने मदद कर उसको बाहर निकाला। बच्चे के लिफ्ट में फंसे होने का सीसीटीवी वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं इस मामले को लेकर परिजन आक्रोशित हैं और चेरी काउंटी चौकी पर शिकायत की है। टीम न्यूज स्टेट। और अब देहरादून से बड़ी खबर, मारपीट में घायल विपिन रावत की मौत। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, मारपीट में घायल